इस वक्त की एक बड़ी खबर कन्नौज से आ रही है। यहाँ दिनांक 3 तारीख को थाना ठठिया क्षेत्र अंतर्गत हुई डकैती की घटना में वांछित 25,000 के इनामी 3 अभियुक्तों के साथ आज रात्रि को कन्नौज पुलिस ने इन्हें आत्मरक्षार्थ मुठभेड़ में घायल 1 अभियुक्त व 2 अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। आज रात्रि लगभग 2 बजे थाना ठठिया क्षेत्र अंतर्गत खैर नगर रोड पे पुलिस टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी, जिसमें एक बिना नंबर प्लेट की संदिग्ध बाइक आती हुई दिखी, जिसे रुकने का इशारा किया गया। न रुकते हुए इसने पुलिस टीम पे फायर किया। इसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा फायर करने में एक अपराधी विवेक और टिंकू, जो जनपद हल्दोई का रहने वाला है, वो घायल हुआ। इसके पैर में गोली लगी है। इसके अलावा 2 अन्य अभियुक्त कृष्णा और हंसु, जो जनपद हल्दोई के रहने वाले हैं, उनको भी हिरासत में लिया गया। इनके पास से एक मंगलसूत्र और अंगूठी और लगभग 13,000 रुपये बरामद किया गया है। और कि जिस बाइक से होंडा एक्सट्रीम जो बिना नंबर प्लेट किया वो भी बरामद की गई है। पूर्व में 3/4 सितंबर की रात्रि को थाना ठठिया क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बस्ता और ग्राम फतुआपुर में एक डकैती की घटना घटित हुई थी, जिसमें एक घर में पति पत्नी भी मारपीट में घायल हुए थे। पूर्व में इस डकैती करने वाले गिरोह का अनावरण करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। इसमें माल की भी बरामदगी की गई थी। इसके पश्चात 7 अन्य अभियुक्त जो प्रकाश में आए थे उनको वांछित किया गया था। सभी पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। इसमें जो आज पकड़े गए जो बदमाश हैं विवेक कृष्ण हंसू, इन पे भी 25,000 का इनाम था। इनके पास से जेवर और कैश की रिकवरी की गई है। साथ ही जो बाइक घटना में प्रयुक्त थी वो भी बरामद की गई है। और इसमें जो पिंकू है इस पर आपराधिक इतिहास भी है। इस पर करीब 18 मुकदमे डकैती, लूट, चोरी, गैंगस्टर आदि के पंजीकृत हैं।